आई लव यू। ओह माय गॉड, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। पूरी जिंदगी? हाँ बिल्कुल। एक बार ये रखो, क्या हुआ? पूरी जिंदगी यानी कि शादी करनी है? हाँ अभी करनी है। नहीं अभी नहीं, पर 3-4 सालों में। यानी कि चक्कर चलाने के लिए प्रपोज कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, पर मैं पता क्या चाहती हूँ कि तुम ना अपनी मम्मी पापा पड़ोसी रिश्तेदार सबसे ना कंफर्म कर लो। अभी से मेरी कास्ट, शक्ल, हाइट, दादा परदादा की प्रॉपर्टी, मेरा रंग रूप सब उनको दिखा के कंफर्मेशन ले लेना। फिर फुल अयाशिया करेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली मजे करेंगे। अगर मैं अभी यहाँ कर दूँ, प्यार में पड़ जाऊँ, लास्ट में तो आके बोले कि अब्बा नहीं मानेंगे, मम्मी धड़ताल कर रही है, मेरा तो कट जाएगा ना बड़े वाला। और 4 साल के बाद टूटे दिल के साथ नया लड़का ढूंढने थोड़ी निकलूंगी मैं। मुझे ना देवदास नहीं बनना है कि मैं अपने बाल नोच रही हूँ, हाय मेरा प्यार, मेरे माँ बाप बोल रहे हो कि अरेंज मैरिज कर ले, उधर से तू बोल रहा हूँ मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ कर दे, अगले जन्म में मिलेंगे। What the fuck? क्योंकि आजकल ना बड़े स्कैम चल रहे हैं, लोगों की तो आपस में बात बन जाती है पर बाद में उनकी कुंडलियों की बात नहीं बनती है। यार मुझे टेंशन हो रही है। किस चीज की टेंशन? डेकोरेशन की क्या? अबे ये तो 1000 रुपए में दोबारा हो जाएगी, मैं कर दूंगी यार, तू कंफर्म करके आ पहले। हाँ